दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अभी अभी मेरा एक ब्रेस्ट कैंसर का केस ठीक हुआ है। बिहार की एक महिला है, 45 साल की उम्र है, दोनों ब्रेस्ट में कैंसर था और एग्जैक्टली निप्पल्स में था, दोनों निप्पल्स में कैंसर था उनको। टाटा इंस्टीट्यूट से वो इलाज कराते कराते एक साल से परेशान हो गए थे और वो घाव बढ़ते ही जा रहा है। अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ब्रेस्ट भी मैं कट करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। उनको मैंने ये कहा था कि आप, और वो बहुत गरीब पेशेंट है, पैसे उनके पास नहीं, खेत बेचकर उन्होंने डॉक्टर को फीस दी है। तो अभी मैं बिहार गया हुआ था, आपको मालूम है ये फ्लड आया, तो वहां पे मुझे वो पेशेंट मिल गया। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ कर दीजिए, तो मैंने उनको यही बताया, गेंदे के फूल की चटनी, गाय मूत्र और थोड़ा हल्दी। तो उन्होंने 15 दिन में ही मुझे रिपोर्ट दे दी कि हमारा तो 50% से ज्यादा हील हो गया, विदिन 50 डे। पेन तो चला ही गया, हीलिंग इतनी तेज, और शायद अगले 15-20 दिन में या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में बिल्कुल ठीक हो जाए। टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट किए हुए पेशेंट को ये गेंदे का फूल और ये गाय के मूत्र और हल्दी ने ठीक किया। मेडिसिन क्या है? गाय का मूत्र, हल्दी और गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड। गेंदा ही कहते हैं पंजाब में, गेंदे का फूल। एक तो होता नारंगी और एक होता पीला, दोनों ही काम के हैं। नारंगी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, पीला भी इफेक्टिव है, दोनों ही काम के। मैरीगोल्ड माने गेंदे का फूल और गाय का मूत्र और हल्दी। अब करना क्या है कि गेंदे का फूल, उसकी पंखुड़ियां निकालनी है, वही फूल है उसके, छोटी छोटी पंखुड़ियां होती है, वो सब निकालनी है। फिर उसमें हल्दी डाल के, गाय मूत्र डाल के उसकी चटनी बनानी, गोमूत्र डाल के और हल्दी डाल चटनी बनानी, वो चटनी को लगाना जहां पर भी चोट है, ओपन वुंड है, बाहर से खुली हुई चोट है जिसमें ब्लीडिंग हो चुका है, खून निकल चुका है और हील नहीं हो रही है। कितनी भी दवा खा रहे हैं, हील नहीं हो रही है। और इसको एक बार जैसे लगा दिया आपने सुबह, अब वहां पर थोड़ा रुई वुई बांध के पट्टी बांध दीजिए ताकि थोड़ी देर उसका असर रहे बॉडी पे। शाम को जब दोबारा लगाएंगे तो पहले वाला धोना पड़ेगा, तो इसको गोमूत्र से ही धोना है। डिटॉल विटॉल इस्तेमाल मत करिए, गाय के मूत्र को डिटॉल की तरह से यूज करिए और धोके साफ कर दिया, फिर बराबर चटनी बना के फिर लगा दिया, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए। इतना इफेक्टिव है ये, इतना इफेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखेंगे तो मानेंगे ये मिरेकल ही है सब कुछ। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।